नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अहोई अष्टमी का उपवास कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान व पति के कल्याण हेतु होता है और यह व्रत स्त्रियों द्वारा ही होता है। स्त्री अपने संतान की रक्षा और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। पूर्ण लगन व उपवास करने से संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान की रक्षा भी होती है। सभी ये बात जानते हैं कि भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन करवा चौथ के बाद स्त्री अहोई अष्टमी की तैयारी में जुट जाती है। यह उपवास भी करवा चौथ की तरह ही होता है और इस व्रत को करने के लिए सुबह उठकर स्नान करें और पूजा करें। अहोई माता पार्वती जी हैं, इसलिए पार्वती जी की ही पूजा करी जाती है। अहोई माता की पूजा करने के लिए हम या तो दीवार पर अहोई माता भी बना सकते हैं या फिर पोस्टर भी लगा सकते हैं और उनकी पूजा का सामान रखकर पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत में भी कथा पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और पूजा करते समय करवे में पानी रखकर बैठें और इनका भोग दूध और चावल से लगाना चाहिए। जो जिस करवे में पानी भरकर हम कथा सुन रहे थे, उसी करवे से रात को तारों को अर्घ दिया जाता है और व्रत को पूर्ण किया जाता है।